एक आदमी ने एक मंत्र पढ़ा और उसके हाथ में रस्सी उठकर सीधे आसमान में लटक गई। आदमी ने अपने बेटे को स्वर्ग में भागने के लिए आसमान तक जाने वाली रस्सी थमाई। बच्चा रस्सी पर चढ़कर जल्दी ही ओझल हो गया। अचानक एक बिजली की चमक ने रस्सी को तोड़ दिया और बच्चे का सिर नीचे गिर गया। एक मजबूत आदमी चेहरे पर दुख के साथ और फिर बच्चे के कपड़े भी नीचे गिर गए। आसपास के लोग भयभीत हो गए। ये सब आखिर कैसे हुआ? इसके अलावा भी कुछ समय पहले ये पिता पुत्र सड़क किनारे मनोरंजन कर रहे थे। उस आदमी ने एक पत्थर पर कपड़े रखे, अगले ही सेकंड पत्थर गुआनेन की मूर्ति में बदल जाता है। दर्शक इसे देखकर हैरान रह जाते हैं। जिला अधिकारी भीड़ में मौजूद होते हैं और इस दृश्य को देखकर सोचते हैं कि इस पिता पुत्र में कुछ खासियत है और उन्हें ले जाने का आदेश देते हैं। तो पहले जिलाधिकारी अतिथि के रूप में जिला कार्यालय आते हैं। जिलाधिकारी ने उनके स्वागत के लिए गाना बजाना तैयार किया था, लेकिन जिलाधिकारी भी एक अनुभवी व्यक्ति थे और एक शो का सामना करते हैं। कई सुंदरियों को लगा कि नृत्य और संगीत का आनंद उठाने के बाद भी अब मजा नहीं आ रहा था, इसलिए उन्होंने जिलाधिकारी से कहा कि चिंता न करें, अभी और भी अच्छे दृश्य आने वाले हैं। जिस पर जिलाधिकारी ने एक पिता पुत्र को बुलाया। गवर्नर के परिचय के बाद गवर्नर ने जाना कि सामने वाला व्यक्ति बदल सकता है, इसलिए वह उत्सुकता से पूछती है कि आदमी क्या बदल सकता है। आदमी आत्मविश्वास से कहता है कि अगर दोनों लॉर्ड चाहते हैं तो वह कुछ भी बदल सकता है। तो पहले तब से तवा बहुत उपयोग है, दुनिया में कोई भाग नहीं सकता। पर फिर भी आदमी ने कहा कि वो स्वर्ग से अमृत फल लेना चाहता है, कहकर उसने प्रदर्शन शुरू किया। बच्चे ने रस्सी उसे दी और फिर आदमी ने मंत्र पढ़ा और रस्सी सचमुच उच्च आकाश में उड़ गई, लेकिन वो असमंजस में था। इस दृश्य को देखकर दो सज्जन शांत नहीं बैठ सके और उस आसमान तक पहुंचने वाली रस्सी को देखकर जिला अधिकारी हैरान रह गए। वो आदमी सोचता है कि वह बूढ़ा हो गया है और चाहता है कि उसका बेटा रस्सी पर चढ़े, लेकिन बच्चा डरता है। पिता पुत्र की यह स्थिति देखी जा सकती है। सरकार के अधिकारी ने कहा कि अगर मिस्टर को मुश्किल हो तो छोड़ दें। तब जिला अधिकारी ने वादा किया कि अगर कोई आसमान से अमृत फल चुराने में सफल होता है तो उसे 100 सोने की मुद्रा इनाम में दी जाएगी। इसे सुनकर बच्चा भी अपने डर पर काबू पाया और रस्सी पर छलांग लगा दी और जल्दी से बालों में घुम गया। नीचे के लोगों को उसका कोई पता नहीं चला। सभी इंतजार कर रहे थे और इस तरह दो और आधा घंटे इंतजार करते रहे। तभी आकाश में एक चमकदार प्रकाश दिखाई दिया और एक विशाल आड़ू वास्तव में नीचे गिरा। एक आदमी ने एक अमृत फल पकड़ा और तुरंत इसे दोनों जिलाधिकारियों को भेंट किया। दोनों अधिकारी इस फल को देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुए, लेकिन तभी एक बिजली की कड़क से पवित्र आग टूट गई। एक आदमी टूटे रस्सी को पकड़े हुए घबराया हुआ था। अगले ही क्षण बच्चे का सिर नीचे गिर गया। इसे देखकर दोनों सज्जन चौंक गए। उसके बाद बच्चे के कपड़े भी नीचे गिर गए। आदमी ने अपने बेटे का सिर बॉक्स में डाला और फिर कपड़ों से ढक दिया। अब वह आदमी गांव के डॉक्टर से मदद मांग रहा है। उम्मीद है कि वह अपने बेटे के अंतिम संस्कार के लिए कुछ पैसे प्राप्त कर सकेगा। जब हर कलाकृति जान ले सकती है तब जिला अधिकारी भी इसे मानने के लिए राजी हो गए और उन्होंने सोना दिया। हालांकि जब उस आदमी ने सोना देखा उसकी आंखें चमक उठी। अगली बार फिर से जगह पर होंगे। आवाज सुनकर बच्चा बिना किसी नुकसान के बाहर आ गया। उसे देखकर दोनों गुआन लाओये चौंक गए और उनकी जुबान बंद हो गई। इसे देखकर पता नहीं आपको क्या लगता है, टिप्पणी अनुभाग में अपने विचार बताएं। चेरी।